स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स के चैप्टर का थर्ड पार्ट है ये। इसके बाकी के पार्ट्स देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए। एट सम अर्लियर स्टेज यू माइट हैव कैरीड आउट एन एक्सपेरिमेंट वेयर यू हैड प्लेस्ड अ ट्विग बियरिंग वाइट फ्लावर्स इन कलर्ड वाटर एंड हैड वॉश्ड इट टर्न कलर। On examining the cut end of the twig after a few hours, you had noticed the region through which the colored water moved. उसने ये बोला, आपने कभी ना कभी किया होगा कि एक ट्विग वाला जिसमें वाइट फ्लावर्स होते थे उसको आपने कलर्ड वाटर में डाला और कुछ टाइम बाद आपने देखा कि उसका कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब जो कलर वाटर का था वो चेंज होता जा रहा है फ्लावर का और ट्विग का। फिर जब आपने उस ट्विग को कट किया तो आपको पता चला कि वो जो रीजन है वो भी कलर्ड है जहाँ से वाटर ने मूव किया। That experiment very easily demonstrate that the path of water movement is through the vascular bundle, more specifically the xylem. इससे ये चीज़ तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि जो वाटर मूवमेंट हो रही है वेस्कुलर बंडल के थ्रू वो जाइलम के थ्रू हो रहा है। ठीक है, नाउ वी हैव टू गो फर्दर एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस अप अ प्लांट। अब हमें समझना है कि कैसे मूवमेंट हुई है वाटर की या बाकी सब सब्सटेंस की प्लांट के अंदर। ठीक है, मतलब बेसिकली जो जाइलम है वो वाटर ट्रांसपोर्ट में अगर हेल्प करता है जिससे हम एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला था, तो अभी हमें देखना है कि किस किस तरह की मूवमेंट होती है और किस किस चीज़ों में या क्या क्या चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व होती है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस विद इन अ प्लांट कैन नॉट बी बाय डिफ्यूजन अलोन। जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है किसी भी सब्सटेंस का सिर्फ एक प्लांट के अंदर, वो सिर्फ डिफ्यूजन से नहीं होता। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस जो भी ट्रांसपोर्ट होता है किसी सब्सटेंस का वो सिर्फ डिफ्यूजन से नहीं होता। डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है। ठीक है, इट कैन अकाउंट फॉर ओनली शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। डिफ्यूजन काफ़ी स्लो होता है, धीरे से होता है, और इससे सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ मतलब मॉलिक्यूल ही हो पाएगा। मतलब अगर लॉन्ग डिस्टेंस में करना है तो डिफ्यूजन से हेल्प नहीं, मतलब काम नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल द मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल अक्रॉस अ टिपिकल प्लांट सेल टेक अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेल। ठीक है, मतलब उसने बताया कि जो डिफ्यूजन है वो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस कवर करता है। अगर हम बात करें लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की तो सब्सटेंस को लार्ज डिस्टेंसेस तक मूव करना पड़ता है। ठीक है, सम टाइम द साइट्स ऑफ प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन एंड साइट ऑफ स्टोरेज आर टू फार फ्रॉम ईच अदर। कई बार क्या होता है, जहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है, जहाँ प्रोड्यूस हुआ है, या फिर जहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ है, या फिर जहाँ पे स्टोरेज की साइट है, वो काफ़ी एक दूसरे से दूर है। ठीक है, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट वुड नॉट सफिस। तब वहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से काम नहीं बनेगा, क्योंकि जो प्रोडक्शन की साइट है और जो एब्जॉर्प्शन की या फिर आपकी लार्ज डिस्टेंस की साइट है वो काफ़ी बड़ी है। ठीक है, वहाँ छोटे वाले प्रोसेस जैसे कि डिफ्यूजन जो छोटे प्रोसेसेस के लिए होते हैं उनसे काम नहीं बनेगा। स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिकेम नेसेसरी सो एज टू मूव सब्सटेंस अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस एंड एट अ मच फास्टर रेट। तो आपको क्या चाहिए, आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए ताकि जो सब्सटेंस है वो लॉन्ग डिस्टेंस में मूव कर सके और थोड़ा फास्ट मूव कर सके। वाटर एंड मिनरल एंड फूड आर जनरली मूव्ड बाय अ मास और बल्क फ्लो सिस्टम। जो वाटर होते हैं, मिनरल होते हैं, या फिर जो फूड होते हैं, ठीक है, खाना जो होता है वो मास या फिर बल्क फ्लो सिस्टम से मूव करता है। मास फ्लो क्या होता है कि सब्सटेंस की मूवमेंट होना, मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है, एक साथ काफ़ी सारा सब्सटेंस मूव करता है तो उसे मास फ्लो बल्क या फिर बल्क बोलते हैं। और उसमें क्या होता है, दोनों के बीच में जो प्रेशर क्रिएट होता है ना, दो पॉइंट मतलब जहाँ से जा रहा है और जहाँ तक जा रहा है, उस प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ये मास बल्क फ्लो होता है। इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास फ्लो दैट सब्सटेंसेज वेदर इन सॉल्यूशन और इन सस्पेंशन आर स्वेप्ट अलॉन्ग एट द सेम प्लेस एज इन फ्लोइंग रिवर। उसने क्या बोला कि ये जो मास फ्लो का कैरेक्टरिस्टिक ही है जो बेसिकली आपके सब्सटेंसेज है, चाहे वो सॉल्यूशन फॉर्म में हो, मतलब किसी सॉल्यूशन में घुले हुए हों, या फिर वो सस्पेंशन फॉर्म में हो, कि वो क्या करते हैं, सेम पेस पे एक फ्लोइंग रिवर की तरह होते हुए जाते हैं। बेसिकली आपके जो मतलब मास फ्लो है, एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ मूव कर रही है, चाहे वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो, चाहे वो किसी और वजह से हो, चाहे वो मिली हुई हो, चाहे वो मतलब बैठी हुई हो, वो क्या करती है, एक ही फ्लो में ऐसे एक रिवर फ्लो करती है, वैसे वो चीज़ मूव करती है। दिस इज़ अनलाइक डिफ्यूजन वेयर डिफरेंट सब्सटेंसेज मूव इंडिपेंडेंटली डिपेंडिंग ऑन देयर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे ये नहीं होता कि सब्सटेंस ऐसे अलग अलग मूव कर रहे हैं इस बात पे कि किसका कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, तो अलग अलग थोड़ा इंडिपेंडेंटली पार्टिकल मूव कर रहे हैं, नहीं। यहाँ पे सारे के सारे जो मास फ्लो होता है या बल्क फ्लो होता है, सारे के सारे चीज़ें एक साथ मूव करती है। जैसे कि एक नदी अगर आप बहते हुए देखोगे, सारा पानी एक साथ जाता है, वो वही चीज़ कह रहा है। बल्क फ्लो कैन बी अचीव आइदर थ्रू अ पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट और अ नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट। अब जो बल्क फ्लो है वो एक
पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट से अचीव कर सकते हैं या फिर आपको क्या कर सकते हैं नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट. दोनों का एग्जाम्पल दे रखा है कि जब आप सक्शन करते हो एक स्ट्रॉ के थ्रू तो नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, और गार्डन होज में आपको दिखाया हुआ है कि पॉजिटिव प्रेशर होता है. तो ये पूरा एग्जाम्पल दे रखा है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का. उसके बाद दिखाया हुआ द बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू द कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यू ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. मतलब कि जो मूवमेंट होती है किसी भी सब्सटेंस की जो कंडक्ट हो रही है या वेस्कुलर टिश्यू से जा रही है प्लांट के, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. तो एक जगह से दूसरी जगह जब कोई चीज मूव कर रही है बाय वेसल्स और बाय एनी काइंड ऑफ टिश्यू तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. डू यू रिमेंबर स्टडिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ रूट स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ हायर प्लांट एंड स्टडिंग द वेस्कुलर सिस्टम. द हायर प्लांट हैव हाईली स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम. अब उसने यही बोला कि जब आप देखोगे कि वेस्कुलर जो आपके हायर प्लांट्स होते हैं ना उनके पास एक अपना वेस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है. ये जो हायर प्लांट्स होते हैं दे हैव हाईली स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू. अब इनके पास एक अलग ही स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू है जिसे हम बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम एसोसिएटेड है ट्रांसलोकेशन ऑफ मेनली वाटर मिनरल सॉल्ट सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स. यानी कि जो जाइलम है उसमें क्या होता है पानी ही ट्रांसलोकेट होता है, मतलब पानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है या फिर मिनरल सॉल्ट या ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स, ठीक है. और जो फ्लोएम होता है वो ट्रांसलोकेट करता है, वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है कई टाइप के ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स मेनली फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है. वो क्या लेके जाता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक. तो दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो जाइलम में आपके क्या ट्रांसलोकेट हुए, किसकी मूवमेंट हुई, वाटर की, मिनरल सॉल्ट, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हॉर्मोन्स की, ठीक है. और कहाँ से, रूट से जो ऊपर के पार्ट्स है वहाँ तक. और जो फ्लोएम है वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स लेके जाता है लीव से बाकी प्लांट्स में. अब इसके बारे में जो और डिफरेंसेस है वो अपने छोटे क्लासेस में भी पढ़े हैं और शायद आप आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन मेन डिफरेंस यही होता है कि क्या चीज़ें कौन लेके जाता है, और ये चीज़ें हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर ट्रांसलोकेशन या फिर किसी भी चीज़ की बल्क मूवमेंट के लिए, ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर. लेट्स स्टार्ट विद हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर. We know that root absorb most of the water that goes into plant. Obviously, that is why we apply water to the soil and not on the leaves. उसने क्या बोला कि पहले पूछा है कि प्लांट कैसे वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है. उसके बाद उसने ये बोला है कि जो रूट्स होती हैं ना वो मोस्टली वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, इसलिए जब भी हम पानी डालते हैं हम सॉइल में डालते हैं क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट रूट्स में जाएगा, हम कभी भी लीव्स पे पानी नहीं डालते हैं. Responsibility of absorption of water and mineral is more specifically the function of the root hair that are present in millions at the tip of the roots. मतलब कि ये जो water absorption होता है या फिर mineral absorption होता है ये root hair की वजह से होता है जो roots की tip पे present है, ठीक है. Root hair thin walled slender extension होते हैं root epidermal cell के जो काफ़ी ज़्यादा surface area बढ़ाते हैं. Basically root hair roots पे present होते हैं, ठीक है. उसके अलावा वो ना क्या होते हैं उनके ऊपर काफ़ी लंबे लंबे एक्सटेंशन से होते हैं, यानी रूट हेयर क्या होते हैं पतले पतले से एक्सटेंशन होते हैं जो रूट के ऊपर सबसे ऊपरी सेल्स जो होते हैं एपिडर्मल सेल सबसे ऊपर की जो लेयर होते हैं वहाँ प्रेजेंट होते हैं और वो एब्जॉर्प्शन का सर्फेस एरिया बढ़ाते हैं, ठीक है. वाटर इज एब्जॉर्ब अलॉन्ग विद मिनरल सॉल्यूट बाय द रूट हेयर प्योरली बाय डिफ्यूजन. जो पानी है वो कौन एब्जॉर्ब होता करता है, वाटर इज एब्जॉर्ब अलॉन्ग विद मिनरल सॉल्यूट. मतलब कि जो भी मिनरल सॉल्यूट्स होते हैं जो भी मिनरल होते हैं जो वाटर के साथ मिक्सअप होते हैं वो सब एब्जॉर्ब होते हैं, रूट हेयर उनको एब्जॉर्ब करते हैं. किस प्रोसेस से, प्योरली बाय डिफ्यूजन, सिर्फ डिफ्यूजन से. वंस वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर इट कैन मूव डीपर इन टू रूट्स लेयर बाय टू डिस्टिंक्ट पाथवे. अब उसने क्या बोला कि पानी एब्जॉर्ब हो गया रूट हेयर से, मतलब रूट हेयर ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया. नाउ इट कैन मूव डीपर इनटू रूट्स लेयर बाय टू डिस्टिंक्ट पाथवे. अब वो रूट्स की लेयर में जाएगा दो तरीकों से, ठीक है. मतलब अभी तक हमने पढ़ा कि वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट से, रूट हेयर से. अब फाइनली वो कह रहा है कि वाटर किसने एब्जॉर्ब कर लिया, रूट हेयर ने, लेकिन वो रूट की लेयर्स में जाएगा दो पाथवे से. फर्स्ट इज योर एपोप्लास्ट पाथवे एंड सेकेंड इज योर सिम्प्लास्ट पाथवे, ठीक है. एपोप्लास्ट, जो एपोप्लास्ट होता है वो क्या होता है, इज अ सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल दैट इज कंटिन्यूस थ्रू आउट द प्लांट एक्सेप्ट एट द कैस्पेरियन स्ट्रिप ऑफ द एंडोडर्मिस इन द रूट्स. ये जो आपका एपोप्लास्ट होता है ये किसके अंदर होता है, एडजेसेंट सेल्स पे होता है, ठीक है. मतलब सिस्टम होता है एडजेसेंट सेल वॉल का, जो सेल के आसपास की जो वॉल होती है उसको बोला है दैट इज कंटिन्यूस थ्रूआउट द प्लांट. यानी कि ये एपोप्लास्ट सेल वॉल का सिस्टम है जो पूरे प्लांट में कंटिन्यूस होता है एक्सेप्ट एट द कैस्पेरियन स्ट्रिप ऑफ द एंडोडर्मिस इन द रूट. ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स में नहीं होता है,
बाकी ये पूरा का पूरा कंटिन्यू होता है। आप ये देखो, ये जो दिखाया है क्या है, ये सिस्टम है एडजेसेंट सेल वॉल्स का, ठीक है। एडजेसेंस आसपास में लगी हुई सेल वॉल्स हैं और कंटिन्यूस होती हैं थ्रू आउट द प्लांट, सिर्फ कैस्पेरियन स्ट्रिप के पास में ही नहीं होती हैं, ठीक है। द एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर अकर एक्सक्लूसिवली थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेसेस इन द वॉल्स ऑफ द सेल। ये जो एपोप्लास्टिक मूवमेंट होती है ना पानी की, वो कहाँ होती है, इंटरसेलुलर स्पेसेस में, बीच में होती है, एंड वॉल्स ऑफ द सेल मतलब इनके सेल्स के वॉल्स के बीच में से होती है। मूवमेंट थ्रू द एपोप्लास्ट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग द सेल। बेसिकली जो भी मूवमेंट एपोप्लास्ट से होगी उसके अंदर कहीं भी ये नहीं आएगा कि आपको सेल को क्रॉस करने की ज़रूरत है, ठीक है। दोबारा से सुनिए, जो मूवमेंट होगी एपोप्लास्ट के थ्रू उसमें क्रॉसिंग नहीं होगी थ्रू द सेल, ठीक है, सिर्फ आसपास के थ्रू ये मूवमेंट हो रही है। नेक्स्ट चीज इज कि जो मूवमेंट इसके थ्रू हो रही है आपके एपोप्लास्ट के थ्रू, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ग्रेडियंट, कोई ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। और इसमें क्या चीज़ लिखी है कि जो एपोप्लास्ट होता है, ये जो एपोप्लास्ट वाला रीजन है, डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू वाटर मूवमेंट, एंड वाटर मूवमेंट इज थ्रू मास फ्लो। कोई भी रुकावट वो नहीं करता है वाटर फ्लो में, कोई भी बैरियर नहीं आता है, और जो वाटर मूवमेंट होती है वो मास फ्लो में होती है, मतलब एक साथ वो फ्लो होता है आपका। तो कोई ग्रेडियंट के थ्रू नहीं होता है कि कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा, इट जस्ट जो हो रहा है वो हो रहा है। और दूसरी चीज़, मास फ्लो होती है एंड ये सेल को क्रॉस नहीं करती है, इट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग द सेल। एज वाटर इवापरेट्स इन टू द इंटरसेलुलर स्पेसिस और द एटमोसफेयर, टेंशन डेवलप इन द कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ वाटर इन द एपोप्लास्ट, हेंस मास फ्लो ऑफ वाटर अकर ड्यू टू एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ये नेक्स्ट पेज पे ही पैराग्राफ लिखा हुआ, मैं आपको इसको समझा देती हूँ कि उन्होंने क्या बोला है। देखो कि जैसे जैसे पानी इवापोरेट होता है, जब पानी उड़ता है कई स्पेसिस से, कई जगह से जो बीच में प्रेजेंट होती हैं, जब पानी उसमें से उड़ता है तो क्या होता है, टेंशन डेवलप होती है कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ वाटर में, एपोप्लास्ट में। मतलब पानी उड़ना शुरू हुआ जिसकी वजह से टेंशन डेवलप होनी शुरू हो गई पानी की स्ट्रीम के अंदर, और जिसकी वजह से क्या होता है, एक साथ मास फ्लो हो जाता है, क्योंकि जो वाटर की कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी है, अपने आप के साथ चिपक के रहने की और किसी और मटेरियल के साथ चिपक के रहने की, उन दोनों प्रॉपर्टी की वजह से मास फ्लो होता है वाटर का। तो दिस वाज ऑल अबाउट एपोप्लास्टिक मूवमेंट। अभी मैं नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले, मतलब आपको वो वर्ड्स सिखाने से पहले, एक बार डायग्राम के थ्रू समझाना चाहती हूँ, इसलिए हम सिम्प्लास्ट पे मूव करते हैं। द सिम्प्लास्टिक सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लाज्मा। यहाँ पे क्या है, प्रोटोप्लाज्मा कनेक्टेड है, वहाँ पे सेल वॉल कनेक्टेड थी, यहाँ प्रोटोप्लाज्मा कनेक्टेड है। नेबरिंग सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड दैट एक्सटेंड थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। अब उसने क्या बोला कि जो नेबरिंग सेल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से कनेक्टेड होते हैं, नेबरिंग सेल, ठीक है, इन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से कनेक्टेड होते हैं और इनको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। ड्यूरिंग सिम्प्लास्टिक मूवमेंट द वाटर ट्रैवल थ्रू द सेल देयर साइटोप्लाज्मा, इंटरसेलुलर मूवमेंट इज थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। देखिए सिम्प्लास्टिक मूवमेंट जो होती है, ड्यूरिंग सिम्प्लास्टिक मूवमेंट जो वाटर होता है वो सेल के थ्रू ट्रैवल करता है, ठीक है। आपका सेल के थ्रू ट्रैवल किया, साइटोप्लाज्मा के थ्रू ट्रैवल किया, और जो इंटरसेलुलर मूवमेंट होती है, एक सेल से दूसरे सेल में जो मूवमेंट होती है किसके थ्रू होती है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होती है। वाटर हैज़ टू एंटर द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, हैंस द मूवमेंट इज रिलेटिवली स्लोअर। जो पानी है उसको एंटर करना पड़ेगा सेल में थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। पानी सेल के अंदर एंटर करेगा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, हैंस द मूवमेंट इज रिलेटिवली स्लोअर, थोड़ी सी मूवमेंट ये स्लो होती है। मूवमेंट इज अगेंस्ट डाउन अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये जो सब हमने पढ़ा वो डायग्राम को दिखा के पढ़ा था, ये पूरा पैराग्राफ मैंने कवर कर लिया है। तो ये कह रहा है मूवमेंट इज अगेन डाउन अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट मे बी एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, यू मे हैव ऑब्जर्व साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इन सेल्स ऑफ हाइड्रा लीफ, द मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू स्ट्रीमिंग इज इजिली विजिबल। अब उसने क्या बोला कि जो आपकी सिम्प्लास्टिक मूवमेंट होती है, ठीक है, एक तो वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के अगेन होती है, अगेन डाउन मतलब नीचे की साइड, और दूसरी चीज उसने क्या बोला कि सिम्प्लास्टिक मूवमेंट साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू होती है, ठीक है। आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग किसके सेल्स में, हाइड्रला लीफ जो होती है उसके सेल्स में यू कैन ऑब्जर्व साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। और अब जब आप उसको हाइड्रला लीफ में कैसे देख सकते हैं, क्योंकि हाइड्रला लीफ में उसकी क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट की वजह से जो स्ट्रीमिंग होती है वो काफी विजिबल होती है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आपका जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है उसमें क्या हुआ कि साइटोप्लाज्मा जो होता है ना, मूवमेंट होती है वहाँ पे, इट्स नॉट स्टेशनरी, वो मूव करता है जिसकी वजह से आपकी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है। तो यही साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब है कि मूवमेंट होना, मूवमेंट किसके अंदर होना, साइटोप्लाज्मा में। नाउ मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट्स अकर वाया द एपोप्लास्ट, सिंस द कॉर्टिकल सेल्स आर लूजली पैक्ड एंड हेंस ऑफर नो रेजिस्टेंस टू वाटर मूवमेंट।
However, the inner boundary of the cortex, the endodermis, is impervious to water because of a band of subarized matrix called the Casparian strip. उसने क्या बोला कि जो वाटर फ्लो होता है रूट्स में, ठीक है, वो किसके थ्रू होता है? एपोप्लास्ट के थ्रू होता है. मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो जो रूट्स पे होता है दैट इज थ्रू एपोप्लास्ट सिंस द कॉर्टिकल सेल्स, क्योंकि जो कॉर्टिकल सेल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं और वो कोई भी आपको रेजिस्टेंस नहीं देते वाटर मूवमेंट से. ठीक है, कॉर्टिकल सेल्स थोड़े से लूजली पैक्ड हैं एंड वो कोई भी आपको वो नहीं देते रेजिस्टेंस कि आपकी क्या हो, वाटर मूवमेंट हो. एक बार आप नीचे का डायग्राम देख लीजिए, इसमें दिखाया हुआ है कि ये जो मूवमेंट है दिस इज सिंप्लास्टिक मूवमेंट और ये जो है दिस इज एपोप्लास्टिक मूवमेंट. ठीक है, तो ये सेल वॉल के बीच की मूवमेंट है और ये है आपका सिंप्लास्टिक मूवमेंट. ठीक है, ये दिखाया है कॉर्टेक्स, ये दिखाया है एंडोडर्मिस, फिर आपके कैस्पेरियन स्ट्रिप दिखाई हुई है, जाइलम दिखाया हुआ है, फ्लोएम दिखाया हुआ है, पेरिसाइकिल. तो वो क्या कह रहा है कि जो वाटर फ्लो हो रहा है रूट में वो एपोप्लास्ट के थ्रू हो रहा है क्योंकि जो कॉर्टिकल सेल्स, ये जो सेल्स हैं ये लूजली पैक्ड हैं और इसलिए पानी को ये रोकते नहीं है. ठीक है, तो ये इसको जाने देते हैं, इसलिए जो भी मूवमेंट हो रहा है, अगर आप ये देखेंगे लाइन जो है ब्लू, ये किसके थ्रू हो रहा है? एपोप्लास्ट के थ्रू हो रहा है. लेकिन कह रहा है हाउ एवर द इनर बाउंड्री ऑफ द कॉर्टेक्स, जो इनर बाउंड्री होती है, जो एंडोडर्मिस है, इज इम्पर्वियस टू वाटर बिकॉज ऑफ अ बैंड ऑफ सुबराइज मैट्रिक्स कॉल्ड द कैस्पेरियन स्ट्रिप. क्योंकि इसके ऊपर एक कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, इसलिए कहीं ना कहीं ये बची हुई है किससे, आपकी जो मैट्रिक्स है या आपकी जो प्रॉब्लम है उससे. मतलब पानी उस पर पूरी तरह से नहीं जाता क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रिवेंट कर लेती है. वाटर मॉलिक्यूल आर अनेबल टू पेनिट्रेट दिस लेयर, जो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है इसको वाटर मॉलिक्यूल पेनिट्रेट नहीं कर पाते, इसमें से घुस नहीं पाते. सो दे आर डायरेक्टेड टू अ वॉल रीजन दैट आर नॉट सुबराइज इन टू द सेल प्रॉपर थ्रू द मेम्ब्रेन. तो वो इस तरह से जाते हैं, वो ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे जो वॉल रीजन है, जो ये वॉल का रीजन है, ये सुबराइज नहीं है या फिर इसके अंदर क्या नहीं है, मतलब वाटर की रेजिस्टेंस नहीं है. बेसिकली अभी तक क्या था, यहाँ से पानी अंदर नहीं जा पा रहा था, लेकिन इसलिए यही बोला उसने कि जो वाटर मॉलिक्यूल है इसलिए, क्योंकि वो इस लेयर को पेनिट्रेट नहीं कर पाते, तो उनको वॉल रीजन में भेज देते हैं जहाँ पे दे आर नॉट सुबराइज, जहाँ वो रुकते नहीं हैं. उसके बाद बोला हुआ है द वाटर देन मूव थ्रू द सिम्प्लास्ट एंड अगेन क्रॉसेज द मेम्ब्रेन टू रीच द सेल ऑफ द जाइलम. वाटर सिम्प्लास्ट के थ्रू जाता है और उसके बाद मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन से जाता है, ठीक है, बीच में से, यानी आपके क्या कहते हैं, सिम्प्लास्ट पाथवे से होता हुआ वो बीच में जाता है और कहाँ मूव कर जाता है, जाइलम में मूव कर जाता है. द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द रूट लेयर इज अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक इन द एंडोडर्मिस. मतलब एंडोडर्मिस में जो लेयर है, जो मूवमेंट है वाटर की, वो किसके थ्रू हो रही है? वो सिम्प्लास्टिक पाथवे के थ्रू हो रही है. दिस इज द ओनली वे वाटर एंड अदर सॉल्यूट कैन एंटर द वेस्कुलर सिलेंडर. सिर्फ एक सिम्प्लास्टिक वे ही है जिसके थ्रू जो पानी है या बाकी सॉल्यूट्स हैं वो कहाँ मूव कर जाए, वो वेस्कुलर सिलेंडर में मूव कर जाए. ठीक है, क्योंकि सिम्प्लास्ट, अब उसने क्या बताया, अगर हम दोबारा से उसको एक बार स्टडी करना चाहें, जो एपोप्लास्टिक पाथवे है इसलिए हो पा रहा था क्योंकि ये लूज जगह, आपके जो कॉर्टिकल सेल्स थे ये लूजली प्रेजेंट थे, तो यहाँ से हो पाया. इसके आगे वाटर पेनिट्रेट नहीं कर पाता, जा नहीं पाता, तो सिम्प्लास्टिक वे के थ्रू ये अंदर घुसता है, किसके अंदर? वेस्कुलर सिलेंडर के अंदर. फिर उसने बोला है कि वंस इनसाइड द जाइलम, जब वो जाइलम में पहुंच जाता है, वाटर फिर से फ्री है कि वो सेल्स के बीच में मूव करना शुरू कर दे, या थ्रू, मतलब उनके बीच में या उनमें से मूव करना शुरू कर दे. तो यंग रूट्स जो होती हैं, वेट वाटर एंटर डायरेक्टली इनटू द जाइलम वेसल्स और ट्रैकियार्ड्स. तो यंग रूट्स की अगर हम बात करें तो उनमें वाटर कैसे एंटर करता है, या तो जाइलम वेसल्स के थ्रू और ट्रैकियार्ड्स के थ्रू. देयर आर नॉन लिविंग कॉन्ड्यूट्स एंड सो अ पार्ट ऑफ द एपोप्लास्ट. द पाथ ऑफ वाटर एंड मिनरल आयन इन टू द रूट वेस्कुलर सिस्टम इज समराइज इन फिगर 11.7. तो जब देखो, यहाँ तक थोड़ा था कि यहाँ तक वो इन बिटवीन सेल जाएगा, फिर यहाँ से वो इन टू द सेल जाएगा, यानी यहाँ से सिम्प्लास्ट पाथवे और यहाँ से एपोप्लास्ट पाथवे, इसके थ्रू भी जो हो रहा है. लेकिन फाइनली बात क्या हो रही है कि जब जाइलम में वो चला जाता है पानी, यानी आपका, मैंने सॉरी डायग्राम ढंग से नहीं दिखाया, जब जाइलम में वो चला जाता है तो देन इट इज़ फ्री टू मूव, कि वो कहीं भी जा सकता है अकॉर्डिंग बिटवीन द सेल या थ्रू देम. ठीक है, अब इसमें लिखा है कि सम प्लांट्स हैव एडिशनल स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद देम दैट हेल्प इन वाटर एब्जॉर्प्शन. कुछ प्लांट्स के पास कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बेसिकली उनको हेल्प करते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने में. ठीक है, कुछ प्लांट्स के पास ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं वाटर एब्जॉर्ब करने में. अब माइकोरिजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ अ फंगस विद अ रूट सिस्टम. अगर हम कभी सुने तो हमने माइकोरिजा कभी ना कभी पढ़ा है. एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन इस टाइप का एसोसिएशन होता है जिसमें दोनों को फायदा हो. ठीक है, तो ये माइकोरिजा किसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन? एक फंगस का और रूट सिस्टम का. तो इसमें फंगस को भी फायदा होगा, रूट सिस्टम को भी फायदा होगा. द फंगल
फिलामेंट फॉर्म अ नेटवर्क अराउंड द यंग रूट और दे पेनिट्रेट द रूट सेल्स. तो वो क्या करते हैं, जो फंगल फिलामेंट्स होते हैं वो एक नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं, मतलब वो रूट्स जो होती है एकदम नई नई निकली रूट्स होती हैं उनके आसपास नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं फंगस का, और वो ईजिली रूट सेल्स को पेनिट्रेट कर जाते हैं. जो हाइफिया होता है उसका क्या होता है, सरफेस एरिया काफ़ी लार्ज होता है. ये फंगस का पार्ट है. हाइफिया का लार्ज सरफेस एरिया हेल्प करता है मिनरल आयन को एब्जॉर्ब करने में एंड वाटर को सॉइल में से एब्जॉर्ब करने में फ्रॉम अ मच लार्जर वॉल्यूम ऑफ सॉइल दैट परहैप्स अ रूट कैन नॉट डू. तो बेसिकली इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहा है कि रूट अगर सिर्फ काम करेगी तो वो सिर्फ हो सकता है नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि वो थोड़ा कम एरिया में ही एब्जॉर्प्शन कर सकती है, लेकिन जब फंगल एलिमेंट उसके साथ मिल जाता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया प्रोवाइड करता है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है उसके लिए एब्जॉर्प्शन के लिए. द फंगस प्रोवाइड मिनरल एंड वाटर टू द रूट्स, इन टर्न द रूट प्रोवाइड शुगर एंड एंड कंटेनिंग कंपाउंड टू द माइकोरिजा. अब फंगस ने क्या किया, मिनरल और वाटर प्रोवाइड किया, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन बढ़ा के ये चीज़ें रूट्स को प्रोवाइड करी, और इसके बदले में रूट्स ने शुगर एंड कंटेनिंग कंपाउंड प्रोवाइड करे माइकोरिजा को. ठीक है, तो वैसे चीज़ क्या हुई कि फंगस ने मिनरल एंड वाटर प्रोवाइड किया रूट्स को एंड उसके बदले में रूट्स ने शुगर एंड कंटेनिंग कंपाउंड प्रोवाइड किए माइकोरिजा को. Some plants have an obligate association with the mycorrhiza. For example, pinus seed cannot germinate and establish without the presence of mycorrhiza. ये जो fungus and root का है ये obligatory हर बार नहीं होता, मतलब कि ये इस तरह का association है कि जो दोनों को फ़ायदा पहुँचाए. Obligatory जब वो ज़रूरी है ही है, मतलब उस association के बिना काम नहीं चल रहा. तो हमें इससे पता चल गया कि fungus और root क्या है, symbiotic association में, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा है. उसके बाद उसने ये बोला कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनको ऑब्लिगेट एसोसिएशन होता है माइकोरिजा के साथ. ऑब्लिगेट एसोसिएशन मतलब वो ज़रूरी है ही रिलेशनशिप उनका. जैसे कि उसने एग्जांपल भी दिया है, जो पाइनस सीड्स हैं वो जर्मिनेट नहीं कर सकते, वो ग्रो नहीं कर सकते और वो मतलब आगे बढ़ नहीं सकते, पैदा नहीं हो सकते अगर उनको माइकोरिजा प्रोवाइड ना करें तो. ठीक है, मतलब उनको अपने जर्मिनेट करने के लिए, जैसे कहते हैं अंकुरित होने के लिए, ज़रूरत है ही है कि माइकोरिजा प्रेजेंट हो. तो दिस इज़ एन ऑब्लिगेट रिलेशनशिप. बट अभी जो हमने पहले पढ़ा वो बेसिकली बताया था कि एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है रूट्स एंड फंगस के बीच में, जिससे एक दूसरे को फ़ायदा होता. Now let's move to the water movement up a plant. Looked at how plant absorb water from the soil and move it into the vascular tissues. We now have to try and understand how this water is transported to various part of the plant. Is the water movement active or is it still passive? Since the water has to be moved up the stem against gravity, which what provide the energy for this? उसने बोला कि अभी तक हमने देख लिया कि सॉइल से वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है और वो कैसे वैस्कुलर टिश्यूज, जाइलम वगैरह तक पहुंचता है. अब हमें समझना है कि जो वाटर है वो कई बाकी के पार्ट्स तक कैसे ट्रांसपोर्ट होता है. जाइलम तक तो पहुंच गया, ठीक है, लेकिन आगे उसकी जो मूवमेंट होगी वो किस तरह से होगी, क्योंकि जब पानी ऊपर जाएगा तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा, तो वो किस तरह से होगा उसको समझने के लिए अब हमें आगे की चीज़ें पढ़नी है. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड रूट प्रेशर. At various ions form the soil are actively transported into the vascular tissues of the root. Water follows and increases the pressure inside the xylem. उसने क्या बोला, जैसे कई ions क्या करते हैं, soil से actively transport हो जाते हैं vascular tissues में. ठीक है, soil में जो ions वगैरह थे वो actively transport हो गए vascular tissues में. किसके vascular tissue में, root के vascular tissue में. Water follows, water गया पीछे पीछे और उसने क्या किया, pressure increase कर दिया xylem के अंदर. ठीक है, आयंस पहले गए एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हुए वेस्कुलर टिश्यूज तक, वाटर धीरे धीरे उसके पीछे गया और उसने प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाइलम के अंदर. द पॉजिटिव प्रेशर इज कॉल्ड रूट प्रेशर एंड कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग अप वाटर टू स्मॉल हाइट्स इन द स्टेम. अब ये जो प्रेशर बिल्डअप हुआ जाइलम के अंदर, एक पॉजिटिव प्रेशर जो बिल्डअप हुआ उसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर. और अगर छोटी डिस्टेंसेस तक, स्मॉल हाइट्स तक अगर वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है, पुश करना है, तो दिस रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल. How can we see that root pressure exists? हमें पता कैसे चलेगा कि root pressure exists करता है. Choose a small soft stemmed plant and on a day when there are plenty of atmospheric moisture, cut the stem horizontally near the base with a sharp blade early in the morning. You will see soon see drops of solution oozes out of the cut stem. This comes out due to positive root pressure. वो कह रहा है कि जब थोड़ा बहुत हवा में moisture हो या आपका normal environment है तो एक soft stem वाला plant आप लो और उसमें से आप बीच में से horizontally cut करो. ठीक है, एक plant है समझ लो, उसको बीच में से horizontally बीच में cut लगाओ और कुछ देर के लिए छोड़ो, तो आपको पता चलेगा कि कुछ drops हैं solution की जो उसमें से बाहर आ रही है, जो उस cut वाले part में से, तो उसको देख के आपको पता चलेगा कि वहाँ पे positive root pressure था, क्योंकि वहाँ से water
वाटर आ रहा है. इफ़ यू फिक्स अ रबर ट्यूब टू द कट स्टेम एज अ स्लीव यू कैन एक्चुअली कलेक्ट एंड मेजर द रेट ऑफ एक्सीडेशन एंड ऑल्सो डिटरमाइन द कम्पोजिशन ऑफ द एक्सीडेट. वो कह रहा है कि अगर आप उस पर रबर लगा दो, ठीक है, अगर रबर ट्यूब लगा दो और उसके बाद आप उसको कलेक्ट करने की कोशिश करो तो आपको पता चलेगा कि कितना एक्सीडेट हुआ है, कितना बाहर निकला है और क्या क्या उसकी कंपोजिशन है, जो चीज़ बाहर निकली है उसमें क्या क्या है. Effect of root pressure is also observable at night and early morning when evaporation is low and excess water collect in the form of droplets around special opening of the veins near the tip of grass blades and leaves of many herbaceous part. उसने क्या बोला कि आप रूट प्रेशर को एक जगह और ऑब्जर्व कर सकते हो, रात में भी ऑब्जर्व कर सकते हो या फिर अर्ली मॉर्निंग में ऑब्जर्व कर सकते हो, जब इवेपोरेशन जो होता है, जो पानी का उड़ना होता है, इवेपोरेट होना होता है, वो लो होता है. होता क्या है, जो एक्सेस वाटर है वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, छोटी छोटी बूंदों की फॉर्म में ना कहीं कहीं पे ओपनिंग्स होती हैं, वेन्स वगैरह की ओपनिंग होती हैं, जैसे कि ग्रास के अंदर कहीं ओपनिंग होती है, वहाँ पे टिप वगैरह पे ये जो ड्रॉपलेट्स होती हैं ये इकट्ठी हो जाती हैं. एंड लीव्स ऑफ मेनी हर्बेशियस पार्ट, कई पार्ट्स में, मतलब कई हर्बेशियस पार्ट्स के, प्लांट के पार्ट्स के अंदर ये होता है. ये जो वाटर लॉस होता है एंड इट्स लिक्विड फेज इज नोन एज गटेशन. ठीक है, ये जो वाटर लॉस हो रहा है लिक्विड फेज में आपका, इसको हम बोलते हैं गटेशन. ठीक है, मतलब जिस तरह से ये आपका लिक्विड फेज में ही ड्रॉपलेट की फॉर्म में जो पानी बाहर आ रहा है उसका पूरे के पूरे को प्रोसेस को समझाया, तो ये भी बिकॉज ऑफ रूट प्रेशर होता है. नाउ उसके बाद लिखा है रूट प्रेशर कैन एट बेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड अ मॉडेस्ट पुश टू द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. दे ऑब्वियसली डू नॉट प्ले अ मेजर रोल इन द वाटर मूवमेंट अप टॉल ट्रीज. वो ये कह रहे हैं कि जो रूट प्रेशर होता है ना वो थोड़ा सा पुश क्रिएट कर देता है कि वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाए. ऑब्वियसली इतना इंपॉर्टेंट रोल भी नहीं होता कि वाटर मूवमेंट बहुत लंबे लंबे पेड़ों तक हो, बट हाँ वो इतना पुश करता है कि आपके वाटर मूवमेंट नॉर्मली हो जाए. द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रूट प्रेशर मे बी टू री एस्टेब्लिश द कंटिन्यूस चेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द जाइलम विच ऑफन ब्रेक अंडर द एनर्मस टेंशन क्रिएटेड बाय ट्रांसपिरेशन. जो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है रूट प्रेशर का वो किस लिए होता है, आपका बेसिकली कंटिन्यूस चेंज जो है वाटर मॉलिक्यूल की बनती रहे. और कई बार क्या होता है आपकी ट्रांसपिरेशन की वजह से ये जो टेंशन होता है ये ब्रेक होता है. द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रूट प्रेशर मे बी टू री एस्टेब्लिश द कंटिन्यूस चेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द जाइलम विच ऑफन ब्रेक अंडर द एनर्मस टेंशन क्रिएटेड बाय ट्रांसपिरेशन. रूट प्रेशर डज नॉट अकाउंट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, मोस्ट प्लांट मीट देयर नीड बाय ट्रांसपिरेटरी पल. तो उसने उसकी सिग्निफिकेंस बताई है कि उसका अपना क्या फ़ायदा है. वो ये नहीं कह रहा कि उसकी वजह से ही मोस्टली सारा ट्रांसफर होता है, बट इट्स सेइंग कि छोटे छोटे जो आपके क्या कहते हैं मूवमेंट होते हैं उसमें रूट प्रेशर इन्वॉल्व होता है और कई बार ट्रांसपिरेशन की वजह से ब्रेक आ जाता है. जो वाटर की मूवमेंट होती है उसमें ब्रेक आता है तो रूट प्रेशर उसको नॉर्मल कर देता है. ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट आपका रूट प्रेशर. नाउ लेट्स मूव टू अवर ट्रांसपिरेशन पुल. Transpiration pull, despite the absence of a heart or a circulatory system in plants, the flow of water upward through the xylem in plants can achieve fairly high rates. मतलब कि भले ही कोई heart नहीं है या कोई circulatory system नहीं है, लेकिन जो flow होता है ऊपर की side जो flow होता है xylem in plants में, वो high rates पे achieve होता है. ठीक है, now अब कितना, up to 15 meter per hour. Next page पे ही लिखा हुआ है कि almost 15 meter per hour travel कर सकता है पानी ऊपर तक. How is this movement accomplished? A long-standing question is whether water is pushed or pulled through the plant. Most researchers agree that water is mainly pulled through the plant and that driving force for the process is transpiration from the leaves. That is referred to as cohesion tension transpiration pull model of water transport. But what generates this transpiration pull? देखो, उसने क्या बोला कि कैसे इतनी बड़ी मतलब movement हो पाती है. अभी तो हमने root pressure के बारे में पढ़ा जो थोड़ा बहुत movement करने में help करता है. Then it is saying कि थोड़ा 15 meter per hour तक जो करने में help करता है, मतलब काफी ऊपर तक जाने में help करता है, वो transpiration pull करता है. तो वो कह रहा है कि ये movement कैसे अचीव हो पाती है. एक क्वेश्चन है वेदर वाटर, मतलब जो पानी है वो पुश किया जाता है या फिर पुल किया जाता है प्लांट के थ्रू, मतलब प्लांट उसको धक्का देता है या फिर उसको खींचता है पानी को जो है. इस रिसर्चर्स ने क्या किया, मोस्टली इस बात पे एग्री किया कि जो वाटर है दैट इज मेनली पुल्ड थ्रू द प्लांट एंड दैट द ड्राइविंग द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस प्रोसेस इज ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीव्स. कि ये जो बेसिकली पहली बात तो ये पुश नहीं है, दिस इज पुल.
ठीक है, अब जो पानी ऊपर तक आ रहा है वो पुल प्रोसेस के थ्रू आ रहा है, और जो चीज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो ड्राइविंग फोर्स है इस प्रोसेस के लिए, वो क्या है? दैट इज़ ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीव्स. आपका ट्रांसपिरेशन होना इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. दिस इज़ रेफर्ड टू एज द कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. उसने क्या बोला कि इसको, उसने ये बोल दिया कि ये जो आपका पुल क्रिएट हो रहा है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन, और इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी ड्राइविंग फोर्स को बोला गया है कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. अब वो यही बोल रहा है कि ये ठीक है, मान लिया ट्रांसपिरेशन पुल होता है, बट किस वजह से होता है? वाटर इज ट्रांजियंट इन प्लांट, लेस देन 1% ऑफ वाटर रीचिंग द लीव्स इज यूज इन फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट ग्रोथ, मोस्ट ऑफ इट इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इन द लीव्स, दिस वाटर लॉस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. बेसिकली ट्रांसपिरेशन होता क्या है कि लीव की सर्फेस पे से जो वाटर है वो धीरे धीरे उड़ने लगता है. ठीक है, तो उसने यही बोला कि मतलब 1% से भी ज़्यादा वाटर है जो लीव्स तक पहुँचता है और वो फोटोसिंथेसिस में या प्लांट ग्रोथ में यूज़ होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो वाटर है वो स्टोमेटा से मतलब निकल जाता है लीव्स में से, और ये जो वाटर लॉस होता है इसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. ठीक है, नाउ उसने बोला है यू हैव स्टडीड ट्रांसपिरेशन इन एन अर्लियर क्लास बाय एनक्लोजिंग अ हेल्दी प्लांट इन पॉलिथिन बैग एंड ऑब्जर्विंग द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर फॉर्म्ड इनसाइड द बैग. यू कुड ऑल्सो स्टडी वाटर लॉस फ्रॉम अ लीफ यूजिंग कोबाल्ट क्लोराइड पेपर विच टर्न कलर ऑन एब्जॉर्बिंग वाटर. बेसिकली वो कह रहा है कि आपने ट्रांसपिरेशन को पहले पढ़ा हुआ है कि आपने एक हेल्दी प्लांट को पॉलिथिन बैग में रैप कर दिया, उसके बाद आपने देखा कि उस बैग के अंदर कुछ कुछ ड्रॉपलेट्स क्रिएट हो रहे हैं. ठीक है, तो उसने क्या बोला, आप इसको स्टडी करने में यूज़ कर सकते हो कि यू कैन ऑल्सो स्टडी. बेसिकली आपने इस तरह, आपको पता चला कि वाटर लॉस हो रहा है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट तो ये हो गया. दूसरा उसने बताया कि आप अगर वाटर लॉस देखना चाहते हो जो लीव से हो रहा है, तो एक और तरीका है कि आप कोबाल्ट क्लोराइड पेपर यूज़ करो, और वो जो पेपर होता है वो अपना कलर चेंज कर लेता है जब वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो आपको आइडिया लगेगा कि धीरे धीरे वाटर निकल रहा है और उस पेपर का कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब ट्रांसपिरेशन हो रहा है. ठीक है, तो ये था पार्ट थर्ड, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, चैप्टर 11th बायोलॉजी का. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर इस चैप्टर के और पार्ट्स या 11th 12th बायोलॉजी के और पार्ट्स आपको देखने हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए. थैंक यू सो मच.